हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में। आज फिर से हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आप लोगों को वहां से फायदा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बारे में बातचीत जानने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, जहां पर बताया गया है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज 0, 1 to R। फंक्शन है 4 to the power x डिवाइड बाय 4 to the power x plus 2, और साथ में आपसे पूछी गई है एक वैल्यू कि f(1/40) प्लस f(2/40) प्लस f(39/40) माइनस f(½) मेरे पास क्या आएगा। सभी लोग फटाफट इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और ये बात याद रखिएगा कि यहां पर f(1/40) निकालने बैठे तो 4 की पावर 1/40 मेरे पास आ रहा होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन से तो नहीं करना है ना। हमें ये पता है कि कैसे नहीं करना, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसके अलावा क्या यहाँ पर चीज हो सकती है, इसको सभी लोग सोचिए। उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर कर आ चुके हैं, ये अभी बातें सुनने के लिए रुके हुए हैं, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं नेट दिसंबर 2024 के लिए, तो आप लोग जानते हैं कि ये समय हमारे पास बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है कि अपनी तैयारी की शुरुआत करें, एक आप अच्छी तैयारी साथ में कर पाए। ठीक है, तो इस समय अगर आपके मन में दुविधा है तो उस दुविधा को सभी लोग जितना जल्द हो सके दूर कीजिए और बैच में इस समय एनरोल आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के पास एक काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छा चांस है। नीचे आप लोगों को एक गेट दी ऑफर का लिंक दिया गया है ना। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आप वहां पर एक नई विंडो में पहुंचेंगे, जहां पर आप लोगों को जो फी है डिफरेंट मंथ्स की 12 महीने 18 महीने नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग वहां पर जो कोड है यूज करते हैं ANKITS, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर शो होना वहां पर शुरू हो जाएगा। इस फी को आप लोग साथ में अगर चाहें तो EMI के थ्रू भी वहां पर जो पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग 0114084084807 पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है। क्वेश्चन को सोचने के हमारे पास बेसिकली दो स्टेप है बस। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया है ना f(x), जो मेरे पास बनता है 4 to the power x डिवाइडेड बाय 4 to the power x plus 2। हमारे पास अगर मैं इसमें f(x) + f(1 - x) को सोल्व करूंगा तो आप लोग पाएंगे कि ये मेरे पास सोल्व होने के बाद एक बड़ा प्यारा सा नंबर, हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी कि 1 निकल के आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा, 4 to the power x डिवाइड बाय 4 to the power x plus 2, प्लस में हमारे पास बनेगा 4 की पावर 1 - x डिवाइड बाय 4 की पावर 1 - x plus 2। एड होने के बाद चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि मेरे पास 1 आ रहा होगा। इससे हमें क्या पता चला कि f(1/40) + f(39/40) ये दोनों मेरे पास 1 आते हैं, f(2/40) + f(38/40) 1 आते हैं, f(19/40) + 1 - 19/40 यानी कि f(21/40) मेरे पास 1 आते हैं। इन सबको ऐड करोगे तो आप क्या पाओगे, हमारे पास f(1/40) से f(19/40) + फिर 21/40 से 39/40 मेरे पास सम आता है इक्वल टू 1। आपसे बट ये नहीं पूछा गया है, आपसे जो सम पूछा गया है उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज है। क्या यहां पर बीच में एक टर्म आएगी f(20/40) जो कि आपके पास यहां तो सम में है बट जो आपने निकाला है वहां पर नहीं है, यानी कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड सम है वो क्या बनेगा, वहां पर जो 19 आया था 19 प्लस में f(20/40) एज इज रहेगा, यानी f(1/2) बट साथ में उसने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया f(1/2), यानी कैंसिल होने के बाद ये क्या मिलने वाला है, ये मेरे पास मुझे 19 ही मिलने वाला है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पैटर्न पकड़ लिया कि हमारे पास यहाँ पर f(x) + f(1 - x) निकालना होता है, तो क्वेश्चन अपने पास ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर सारी बातों को पकड़ लोगे। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नजर आता है। इसके साथ एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से ट्राई कीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक सेट एस दिया हुआ है, लेट सेट एस है जिसमें कि मेरे पास 1, 2, 3, 4 यानी कि पहले 4 नेचुरल नंबर आते हैं।
पूछ रहे हैं द टोटल नंबर ओ, द टोटल नंबर ओ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस। इज इक्वल टू, चेक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आता है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 41। आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या आता है इसमें। ठीक है, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप तैयारी करें नेट एग्जाम की, तो आप लोगों के लिए एक बैच है जो कि बहुत अच्छा बैच, बड़ा शानदार बैच है, एलीट बैच 2.0। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के बड़े भाई बहन या आपका कोई रिलेटिव जो तैयारी करना चाहते हैं एचपीएससी के एग्जाम के लिए, तो इस समय एचपीएससी में एनरोल करने के लिए भी आप लोगों के पास एक काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छा चांस है। इस समय जो एचपीएससी का बैच है उसकी फी भी यहाँ पर कम की गई है, और आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप लोग आज ही एनरोल करते हैं तो आप यहाँ पर फी जो है वो 10,290 आप लोगों की वहां पर आपको पे करनी होगी। ठीक है, इसमें भी आपके पास सारे ऑप्शंस पहले से ही है ना अवेलेबल हैं। साथ में आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन पाओ, फुल रिफंड ले जाओ, ये सारी बातें आप लोगों के लिए वहां पर लागू हो रही होंगी। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है अगर आप लोगों के मन में, तो सारे डाउट्स पहले क्लियर कर लीजिएगा। आपके पास एक नंबर है 0114080077, उस पर कॉल करके आप सारी बातें पूछ सकते हो। अगर सारी बातें पहले से क्लियर हैं तो फिर समय मत गवाना, ईमानदारी के साथ है ना अपनी तैयारी में शुरू हो जाओ। एनरोल करके सभी लोग वहां पर चीजें अपनी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर लगातार हर रोज आप लोगों को मिल रहे होते हैं जैसे हमने आज डिस्कस किया, तो वहां पर आप इनको पोल के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके साथ जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए बातों को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।